हे गाइस, दिस इज माय सुराजित मिस्त्री। हमारी मैकेनिकल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, मैंने फिर से आज एक नया वीडियो लेके आया। इस वीडियो पर हम देखाएंगे बीएसएल लेडीबर्ड साइकिल का चेन कवर को कैसे लगाए। तो दोस्तों, वीडियो की एंड तक जरूर देखना है। वीडियो की स्किप मत कीजिए, स्किप कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाले है। हमने पहला ये चेन कवर लगाने के लिए तीन बोल्ट रहते हैं, एक एक करके बोल्ट को हमने खोल लेते हैं। तो दोस्तों, जो जहाँ पे आपका गियर लगा हुआ है, गियर की पीछे बॉटम बकेट का कोटोरी लगा हुआ रहता है। कोटोरी का साथ एक पतला रोड टीन वाली जो पाती है, पाती लगा हुआ रहते हैं। उसका दोनों साइड टेरा रहते हैं, वो एक चेन कवर की दोनों साइड को ये पकड़ के रखते हैं। तो दोस्तों, आप देख लीजिए, पाती का दोनों हिस्सा है और एक फ्रेम के साथ जो पीछे वाला चिमटा है, बैक स्ट्रे, उसका साथ एक बोल्ट लगाने वाला एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये चेन कवर को आपको कैसे घुसाना है देख लीजिए। पैडल का अंदर से इसको ऐसे ही घुसाना है। मैंने जैसे चेन कवर को घुसा है, बिल्कुल आपको भी वैसे घुसाना है। दोस्तों, घुसाने का बाद तीन बोल्ट लगते हैं इसमें। दो लगते हैं गियर की ऊपर और नीचे दोनों ही साइड में दो बोल्ट लगते हैं, और एक लगते हैं फ्री व्हील का पास। तो दोस्तों, तीनों बोल्ट की मदद से ही चेन कवर लगा हुआ रहते हैं। आपको ध्यान में रखना है, ये चेन कवर लगाने का वक्त आपका चेन की गियर ये चेन कवर के साथ घिसना नहीं चाहिए, उसमें ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये बीएसए कंपनी का लेडीबर्ड साइकिल है। लेडीबर्ड साइकिल का आप चेन कवर कभी भी टूट जाए तो घर में बैठ के आप खोल के फिर से लगा सकते हो, कि किसी भी शॉप से ख़रीद के भी आप घर में बैठ के खुद ही लगा सकते हो। तो दोस्तों, इसको लगाने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है और कोई टूल्स आपको नहीं चाहिए। सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से ही आप ये चेन कवर को लगा सकते हो। तो दोस्तों, हमने एक एक करके दो बोल्ट लगाया और एक बोल्ट नीचे की साइड में उसको हम लगाएंगे। दोस्तों, जो अभी तक हमारी चैनल पर नया है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। हम और भी नई नई मैकेनिकल वीडियो आपको देते रहेंगे। दोस्तों, जो अभी तक हमारी चैनल पे वीडियो देख रहे हो, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आपकी कोई भी साइकिल हो, एनी साइकिल, एनी प्रॉब्लम, हमें कमेंट कर दीजिए, हम उसी का सॉल्यूशन हम ज़रूर बताएंगे, और नहीं तो उसी का ऊपर हम वीडियो भी बना देंगे। तो दोस्तों, दो बोल्ट तो हमने लगा दिया और एक स्क्रू रह गया। इसको लगाने के लिए हमें साइकिल को पलट लेना है, सीधा कर लेना है। पहले तो उल्टा रखा हुआ था, अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने का बाद ही ये बोल्ट को हम लगा पाएंगे। तो दोस्तों, साइकिल को थोड़ा हम इधर घुमा लेते हैं। घुमाने का बाद ये बोल्ट, जो बोल्ट ऊपर रहते हैं स्क्रू को हम लगा देते हैं। लगाने का बाद ये तीनों स्क्रू को भी हम अच्छी तरह कस देंगे, क्योंकि इसको ढीला मत छोड़िए। ढीला छोड़ दोगे तो आपका चेन कवर आवाज़ करेगा साइकिल चलने का टाइम। तो इसीलिए हमने सारे बोल्ट को, जितना भी बोल्ट है दोस्तों, इसमें तीन बोल्ट रहते हैं, तीन बोल्ट को हमने अच्छी तरह कस दिया। अब हम ये चेन कवर को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। इसको गियर घुमाने का वक्त ये चेन कवर में चेन गियर नहीं घिसना चाहिए, उसी से आपको ध्यान देना है। चेन कवर चेन और गियर के साथ नहीं घिसना चाहिए। घिसेगा तो दोस्तों आपका चेन कवर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये फाइबर का चेन कवर है, बिल्कुल घिस घिस के ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आपको गियर को घुमा के देखना है, ये चेन कवर चेन में और गियर में नहीं घिसना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो तो चेन कवर लगाना कंप्लीट हो गया फाइनली। अब हम इसको अच्छी तरह घुमा के आपको दिखाएंगे, ये बीएसए कंपनी का लेडीबर्ड साइकिल। तो दोस्तों, हमारा लेडीबर्ड साइकिल का चेन कवर फाइनली
फिटिंग करना कंप्लीट हो गया। स्टेप बाय स्टेप फुल नॉलेज के साथ हमने वीडियो बनाया। हमारी वीडियो दोस्तों यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद।